नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित पांग और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार। ये वीडियो मैं 7 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज की डेट में जो टोटल इन्फेक्टेड काउंट है इंडिया में वो है 4,789 और जो टोटल डेथ काउंट है वो मोर देन 124 है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो खबर निकल के आ रही है वो है, गवर्नमेंट ने अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया है कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए, जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। ऐप काम किस तरीके से करता है, ये ऐप काम इस तरीके से करता है, ये ऐप पहले सबसे पहले मैं बता दूँ, एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों में ही उपलब्ध है। और ये ऐप इस तरीके से काम करता है, इसे आपको आपको ये तो सबसे पहले इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति के आसपास जाते हैं ना जिसको कोविड-19 था या कोविड-19 के सिम्टम शो कर रहा है, तो ये ऐप आपको अवेयर कर देगा, डिटेक्ट कर देगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र में जितने लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव डिटेक्ट किया गया ना, उसमें से अराउंड 67-70% के करीब तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में वो मैं बता दूं क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स वो होते हैं जिनके वो कोरोना वायरस होता है बट उनके अंदर कोई भी सिम्टम शो नहीं करते, कोई भी नहीं, कुछ भी सिम्टम्स उसके अंदर शो नहीं करते, बट वो सुपर स्प्रेडर होता है क्योंकि वो उसके अंदर कोई भी सिम्टम शो नहीं करते, वो टेस्ट नहीं कराता, वो सब जगह जाता है या अपने लोगों के साथ मिलता है या जो भी करता है, तो वो कोरोना वायरस को स्प्रेड करता है बट उसको कुछ नहीं होता है, कोई भी सिम्टम शो नहीं करता है। तीसरी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है ना वो ये है, ICMR ने लास्ट सैटरडे 4 अप्रैल को रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट के लिए एडवाइजरी इशू कर दिया है। ये रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट वो होता है जिसमें कि जो नॉर्मल कोरोना वायरस होता है उसके टेस्ट में 3 से 4 दिन का वक्त लगता है रिजल्ट आने में, बट इसका जो रिजल्ट होता है वो 15 मिनट्स के अंदर मिल जाता है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट होते हैं उसी की तरह होता है। आपको एक ब्लड सैंपल उसमें डालना होता है और 3 लाइन्स होते हैं जिसमें से कि आपको पता लग जाता है कि आपको आपकी बॉडी में एंटीबॉडी है या नहीं। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप ध्रुव राठी जी का वीडियो देख सकते हैं, उसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये काम कैसे करता है। बिल्कुल एक प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह है, उतना ही सिंपल भी है। आप 3 लेटर्स देखेंगे इस पे। चौथी बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि ट्रंप ने संडे 5 अप्रैल को मोदी जी से पर्सनली बात करके एंटी मलेरिया ड्रग जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन पे बैन, एक्सपोर्ट बैन हटाने की रिक्वेस्ट करी थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग दे मेक लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन। इस ड्रग को कोविड-19 के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, कहते हैं कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और इस ड्रग पे लास्ट मंथ यानी मार्च में इंडिया ने बैन लगा दिया था एक्सपोर्ट में, और उसी के रिगार्डिंग आपकी ट्रंप ने मोदी जी से हेल्प मांगी है कि आप इस बैन को हटा दीजिए क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं और हमें इसकी ज़रूरत है। पाँचवीं बड़ी खबर चौथी खबर से रिलेटेड ही है, ट्रंप के रिक्वेस्ट के चलते मोदी जी ने इंडियन गवर्नमेंट ने धीरे धीरे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के ऊपर से एक्सपोर्ट बैन हटाना शुरू कर दिया है, बट लिमिटेड क्वांटिटी में हाइड्रोक्सी जो एंटी मलेरिया ड्रग है और पैरासिटामोल दोनों के ऊपर से ही बैन हटाना शुरू कर दिया है, बट बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में और सिचुएशन के अकॉर्डिंग है इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल में पहली सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि बिलियनर जोई साई जो कि ब्रुकलिन नेट्स एक बास्केटबॉल टीम है अमेरिका में, उसके ओनर हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क में अमेरिका को अराउंड 2.6 मिलियन मास्क, 1,70,000 गॉगल्स और 2,000 वेंटिलेटर्स डोनेट किए हैं। जोई साई ई कॉमर्स जॉइंट अलीबाबा के को फाउंडर है और एक कनेडियन ताइवानीज बिजनेसमैन है और फिलेंथ्रोपिस्ट भी है। उनके ऑलरेडी पहले से ही कनेक्शन थे न्यूयॉर्क में, इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क जो कि आज के अमेरिका जो कि आज के टाइम पे इस कोरोना वायरस का एपिसेंटर है उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में डोनेशन दे रहे हैं। दूसरी इंटरनेशनल में सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि कोरोना बियर जो है, आपने नाम सुना होगा, ये कोरोना वायरस से बिल्कुल मिलता है, उन्होंने अपना बियर का प्रोडक्शन रोक दिया है। पीछे ग्रुप मॉडलों ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा है कि वो अपने कोरोना बियर के प्रोडक्शन और मार्केटिंग को रोक रहे हैं क्योंकि मैक्सिकन गवर्नमेंट ने नॉन एसेंशियल सर्विसेज को 30 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है ड्यू टू दिस कोरोना वायरस। इंटरनेशनल में तीसरी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये है कि जूम के सीईओ एरिक युआन ने प्राइवेसी इशूज़ के चलते लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहा है कि वो जूम में अगले 90 डेज के लिए कोई भी नया फीचर ऐड नहीं करेंगे और अपना पूरा टाइम इस प्राइवेसी इशू को से रिसॉल्व करने में ही लगाएंगे। और पीरियडिकली एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट भी रिलीज करेंगे जैसे कि टेक जाइंट फेसबुक, गूगल और ट्विटर करता है। इंटरनेशनल में चौथी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये है कि न्यूयॉर्क में एक जू है, ब्रॉन्क्स जू, वहाँ की एक टाइगर नादिया में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। जू अथॉरिटीज का कहना है कि नादिया, उसके सिस्टर अजुल, 2 और टाइगर और 3 और लायन सभी ने थोड़े थोड़े ड्राई कफ डेवलप किए थे और थोड़ा सा उनके खाने एपेटाइट में लॉस था जिसके चलते उनको
कोरोना वायरस से टेस्ट किया गया था, और नादिया में तो उन्होंने पॉजिटिव कंफर्म कर दिया है, और बाकी का रिजल्ट आते ही उन्होंने इंटरनेशनल कमेटी को बताने का फैसला किया है। बट उनका कहना ये भी है कि उनके अलावा उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और रिकवर कर जाएंगे जल्दी से। इंटरनेशनल में पांचवी बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि व्हाट्सएप ने अपने मैसेज फॉरवर्डिंग पे लिमिट कर दिया है इस कोविड 19 के चलते, जो मिस इन्फॉर्मेशन बीच में स्प्रेड हुई थी इंडिया में उसके चलते, इंडिया में क्या बाहर भी उसके चलते व्हाट्सएप ने अपने फॉरवर्डिंग मैसेजेस पे लिमिट कर दिया है। वो इस तरीके से होगा कि अगर कोई बंदा एक मैसेज को 5 बार से ज़्यादा फॉरवर्ड करता है तो उसके बाद वो सिर्फ एक ही बंदे को एक टाइम पर फॉरवर्ड कर पाएगा। और उसके अलावा व्हाट्सएप ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी इंक्लूड किया है अपने फॉरवर्डिंग मैसेजेस पे, जिसके पर यू नो क्लिक करके लोग उस इन्फॉर्मेशन के बारे में एक डायरेक्टली किसी ब्राउज़र पर जाके इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे कि वो फेक न्यूज़ है कि अच्छी न्यूज़ है।